इंसाफ की भी कई परतें होती हैं। मिर्चपुर में 8 साल पहले हत्या हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, लेकिन हत्या के बाद जो लोग घर छोड़ गए, जिन दलित परिवारों का पलायन हुआ, उन्हें कब कैसे इंसाफ मिलेगा कोई नहीं जानता। हद तो यह है कि उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं कि आपका क्या होगा। कभी ये गलियां बच्चों की किलकारियों से गूंजा करती थीं, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। सपनों की आशियाने वक्त के थपेड़े खाकर खंडहर बन चुके हैं और दरवाजों पर जंग लगे ये ताले ना जाने अपने सीने में पलायन के कितने दर्द दबाए बैठे हैं। मरघट सरीखा दिखने वाला यह हरियाणा के हिसार का मिर्चपुर गांव है, लेकिन 8 साल पहले जातीय हिंसा की आग में पूरा गांव झुलस गया। मामूली कहा सुनी के चलते 21 अप्रैल 2010 की रात जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि समाज की बस्ती में आग लगा दी। नफरत की आग में 18 घर जलकर खाक हो गए। वाल्मीकि समाज के ताराचंद और उनकी दिव्यांग बेटी ने आग में झुलसकर दम तोड़ दिया और इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 लोगों को दोषी माना, जिनमें से 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तारीख थी 21 अप्रैल और साल था 2010। ये वो तारीख थी जब हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में एक जातीय हिंसा भड़की थी और इस हिंसा में ताराचंद और उनकी बेटी सुमन इसकी भेंट चढ़े थे। इसी घर में आगजनी हुई थी और जिंदा जलाकर मार दिया गया था ताराचंद और उनकी बेटी सुमन को। अब 8 साल बाद जब इस मामले में फैसला आया है और दोषियों पर कार्रवाई हुई है, उनको सजा का ऐलान हुआ है, तब गांव के क्या हाल है वो हम आपको दिखाने पहुंचे। समाज में दलितों के प्रति भेदभाव किस हद तक आज भी मौजूद है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फैसले के वक्त दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच को ये कहना तक पड़ा, आजादी के 71 साल बाद भी दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में कमी के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। मिर्चपुर में हुई घटना एक बार फिर ये कड़वा एहसास दिलाती है कि भारतीय समाज में दो चीजें, समानता और भाईचारा, पूरी तरह नदारद है। और दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी जायज है क्योंकि हिंसा के बाद 150 दलित परिवारों ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया और फिर कभी गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। मिर्चपुर गांव की वाल्मीकि बस्तियों की गलियों में सन्नाटा पसरा है। ऐसी ही एक गली में हम पहुंचे हैं। इस गली को आप देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा है। ऐसे ही एक ये घर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पर है ही नहीं। पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे। इसके अलावा भी और घर आपको दिखाएंगे इस गली में। ये देखिए, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। तो ये तस्वीर वो है जो अपने आप में एक समुदाय के अंदर दहशत बताती है कि किस कदर उनके अंदर डर का माहौल था, जिस वजह से वो यहाँ से चले गए। कितने अभी यहाँ पर लोग रह रहे हैं इस गली में? 3। और हैं कितने घर यहाँ पर? 18-17 घर रहते थे इस गली में। 17-18 रहते थे। तो सब चले गए? क्यों सब चले गए? इस झगड़े के कारण। गांव में हम उस शख्स से भी मिले जिनके कुत्ते की वजह से ये पूरी हिंसा हुई। जयप्रकाश आज भी हिंसा की तारीख को याद करके सिहर उठते हैं और बताते हैं कि कैसे पूरे प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में ये सब हुआ। क्रिकेट के खेल थे, कब इसके स्वान क्लब के और ये बच्चे खेला थे, डंडा क्लब थी, इनके स्कूल में होते जाते रहते थे झगड़े छोटे मोटे, कुछ अपने पेपर वेपर देने जा करते, जब आ कर दे इनके उस चलते चलते ये 10-11 मतलब ये मोहल्ले में आ गए और उसके कुत्तिया का मतलब डरा मारे उससे, मतलब हमने कहा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।